अब हम बात करते हैं आईपीपीज या बिजली घर जो 106 के करीब हैं और पाकिस्तान के अंदर महंगी तरीन बिजली बनाने का सबसे बड़ा जरिया है, जिसके ऊपर अब एप्टमा जैसे फोरम फट पड़े हैं। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जो केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने तो पिछले दो हफ्ते में काफ़ी इसके ऊपर बातचीत की। उनका जवाब सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने भी दिया, जो वज़ीर तवानाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम आई पी पीज़ का मामला क्विकली समझना चाहते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा, पहले तो हम ज़रा प्रॉब्लम को नेल डाउन कर लेते हैं, क्या ये वाकईतन हकीकत है? ये जो नंबर्स हम सुन रहे हैं 2 ट्रिलियन रुपीज़ की पेमेंट्स एक ऐसा बिजली घर जिसने सिफर बिजली बनाई या 5% बिजली बनाई उसको हज़ारों करोड़ों की पेमेंट, क्या ये एदाद शुमार दुरुस्त हैं आपकी नज़र में या नहीं? एक तो जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस बहुत इम्पोर्टेंट इशू के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 3 महीने से मैंने मुख्तलिफ मौके के ऊपर असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर भी बहुत दफ़ा जिक्र किया कि पाकिस्तान के 3 मेजर फॉल्ट लाइन्स हैं तीनों एरियाज़ में, जनरेशन में जो आईपीपीज और मुख्तलिफ प्लांट्स को कहा जाता है, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर आप जनरेशन का हिस्सा लें तो उसके अंदर आईपीपीज प्लस और गवर्नमेंट के ओन्ड बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस वक्त अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर रन नहीं हो रहे। मैं आपको आसान जबान में बताऊं कि पाकिस्तान के इस वक्त के तमाम प्लांट्स के पास तकरीबन 2.5 से 3 अरब यूनिट सालाना पैदा करने की कैपेसिटी है और इस वक्त इस्तेमाल तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ या 1 अरब 10 करोड़ के करीब इस्तेमाल होता है। हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो आपको याद है 2014-15 के अंदर लोड शेडिंग के बहुत इश्यूज थे, तो आप हमारी जो मुल्क की जो पीक की जो मांग होती है यानी वो कुछ महीने में होती है, जुलाई अगस्त के अंदर जून में, हमें लोड शेडिंग फ्री उन दिनों में मुल्क को करना होता है और लोगों की डिमांड भी ये उन दिनों में थी। तो उसको पूरा करने के लिए जब ये प्लांट्स लगाए गए तो उसकी आइंदा 4-5 साल के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ को भी कंसिडर किया गया। जब वो ग्रोथ नहीं हुई और मांग नीचे की तरफ गई तो फिर ये कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा 4-5 महीनों में आपकी विंटर महीने के अंदर होती है इसके अंदर इजाफा हुआ। जब ये अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी के अंदर इजाफा हुआ तो उसी कैपेसिटी का बोझ कम इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स के ऊपर आके पड़ा और इस तरह बिजली की कीमत ज्यादा हुई और बिजली की कीमत ज्यादा होती गई, ग्रोथ इकोनॉमिक नहीं हुई और इस तरह आपके ऊपर और भी बोझ। इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम एक रुपी हंगरी मुल्क हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर एक, इतनी महंगी बिजली की कैपेसिटी पेमेंट्स करते हुए जो बिजली बन ही नहीं रही है, यूटिलाइज नहीं हो रही। हम समझते हैं कि सॉवरन गारंटी वाले मुआहदे उसके ऊपर भी आ जाएंगे। दूसरा मामला ये है कि इनमें से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो 10% पे चल रहे हैं, 15%, मसलन 3 प्लांट्स हैं जिनका डाटा मौजूद है, 0% भी चल रहे हैं सर, जो 15% 1% पे भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली 15% पर चलने वाले प्लांट्स को 37,000 करोड़ रुपए दिए गए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कितने ही मुकद्दस मुआहदे हैं जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं अपना पार्ट ऑफ द डील नहीं रिटेन करें और उस तमाम का तमाम बर्डन को आप कंज्यूमर की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करें। इसको तो रुकना चाहिए कि नहीं? देखिए इसको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए इसके ऊपर मेरे बड़े क्लियर व्यूज हैं कि हमें बिजली की कीमत को नीचे लेके आने के लिए इन प्लांट्स के साथ बैठ के एंगेज करके और प्रॉपरली प्रोफेशनली एंगेज करके, जज्बाती तौर के ऊपर नहीं, अकल के साथ एंगेज करके और कोई और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अराइव करना चाहिए। ये तो एक कंसिडर्ड ओपिनियन है मेरा जो पहले दिन से था। अब इसको किस तरह एंगेज किया जाए, कुछ कौन से फाइनेंशियल्स को देखा जाए, कौन से हीट ऑडिट्स को देखा जाए जो फोरेंसिक होना चाहिए, जो पिछले 8-10 महीने में या इमरान खान की हुकूमत में रिपोर्ट एक आई लेकिन उस रिपोर्ट की उम्र अमल दरामद उसके 3 सालों में नहीं हुआ और अभी तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, उसकी फोरेंसिक वो ऑडिट भी होना चाहिए और हर चीज को कंसिडर करके इनकी एक रिवीजन की जरूरत है बाहमी मुशावरत के साथ। अच्छा ये फरमाइएगा, आप प्लीज इस बात को रियलाइज करने की कोशिश करें जी।
मैं आपको अर्ज करूं, जी, go ahead. इस बात को रियलाइज करें कि जहां इस चीज की सख्त जरूरत है, कैपेसिटी पेमेंट्स की को कम करने की सख्त जरूरत है, और वो इन प्लांट्स को जो हम इस वक्त चाहे वो इस्तेमाल करें या ना करें, उनकी कैपेसिटी के लिए हम एक पेमेंट करते हैं, उनकी यूनिट्स के लिए नहीं करते, लेकिन उनकी वो सरमाया और वो लोन्स और वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स के लिए जरूर करते हैं, जिसका मतलब कैपेसिटी पेमेंट है। अगर मैं अगला नुक्ता उठा पाऊं, वजह है जी, अगर मैं एक नुक्ता उठा पाऊं, उसके बाद अब दूसरा, अब जो आपका कॉज है उसके ऊपर आप आइएगा। क्या ये हकीकत है कि जो 37,000 करोड़ अदा किए गए हैं, इसमें से 22,000 करोड़ उन प्लांट्स को दिए गए हैं जो हुकूमत के अपने हैं? इज दैट अ फैक्ट? नो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वेरी प्रॉपरली। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? आपके ख्याल में मुफ्त के लिए दिया जा रहा है ये पैसा? कैपेसिटी पेमेंट हुकूमत के, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से प्लांट्स हैं। RLNG के 4 प्लांट्स हैं आपके जो लगे थे 2013 और 2018 के बीच में। आपका जी नीलम जेलम है, आपके हाइडल प्लांट्स हैं जो बापडा के पास हैं, इनके लिए आपके आपका क्या ख्याल है पैसे क्यों दिए जाते हैं? इन्होंने कर्जे लेके ये प्लांट्स को लगाया है, वो कर्जा और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है और ऑपरेशन मेंटेनेंस है, उसको पे करने के लिए लिया जाता है। ये को हुकूमत के प्लांट्स को मुनाफा नहीं दिया जा रहा, उनको रिटर्न ऑन एक्विटी नहीं जा, लेकिन उसका बर्डन आप कंज्यूमर पे क्यों पास ऑन कर? सर्विसिंग के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उसका कंज्यूमर के ऊपर बर्डन क्यों जाए? दैट इज अ डेट। आप इस डेट को, एक और तरीका भी है जिसकी आजकल हम सोच विचार शायद कर रहे हो, इसको कहते हैं डेट की रीप्रोफाइलिंग, कि ये कंज्यूमर जो है उसके टैरिफ के आने के बजाय बाकी मुल्क के ऊपर के टैक्सेस का हिस्सा बन के क्यों ना किया जाए? ये भी एक जी आर्ग्यूमेंट है जिसको असेस किया जा रहा है। तो हम लोग बड़े मचोर तरीके से इन तमाम चीजों को स्टडी करें। मैं कल को 900 मिलियन डॉलर का नुकसान जो रेकोडेक में हुआ है, परसों आप मुझे इस जिम्मा पूरा मुल्क जिम्मेवार ठहराएगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट्स को बगैर किसी वजह के और बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के और बगैर किसी बामी मुशावरत के आर्बिट्रेशन के अंदर ले गए, जहां तुम्हारे महकमे ने सारे केसेस हार लिए और हमसे फाइन करवाया और इससे दुगना नुकसान करवा दिया। तो मैं ये टेलीविजन के ऊपर पुश किए हुए कुछ लोगों की जो बात है उसके जरिए मैं हरी अप इसको नहीं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली हम लोग मूव करें, बहुत कैटेगोरिकली हम लोग प्रॉपरली इसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह मुल्क को जल्द खबर अच्छी खबरें देंगे और इस जंजाल में से अपने पावर सेक्टर को निकालेंगे। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही इनकी कीमतों को नीचे करना है। दूसरा, मैं आपको एक सेकंड के लिए बात करूं, जितने भी रिफॉर्म्स की ये बातें हो रही हैं आजकल टीवी के ऊपर, प्लीज आप मेरे पिछले 3 महीने के तकरीरें और वो सुने, एक एक रिफॉर्म के ऊपर, के कंपेटिटिव मार्केट होनी चाहिए, मर्चेंट प्लांट होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज होना चाहिए, ये एक एक मेरे इंटरव्यू के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूव्ड पब्लिक पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स का हिस्सा है। आपके जहन में, अगर मैं पूछ पाऊं, कोई कट ऑफ पॉइंट है जब तक फॉरेंसिक इसका मुकम्मल हो जाएगा, जब तक नेगोशिएशंस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग पेमेंट्स है ना जी, और ये ऑनगोइंग अजाब है इस मुल्क की इकॉनमी के लिए, और एनर्जी सेक्टर के मसाइल तो बैन अक्वामी तौर पर जो हमारे फंडर्स हैं, डोनर्स हैं, वो भी इसको टेकअप करते हैं। तो आपके जहन में कोई कट ऑफ पॉइंट है कि 2 क्वार्टर्स के अंदर हम इसको सेटल कर लेंगे, 3 क्वार्टर्स में, क्या? तलत भाई, मेरे ख्याल में ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और वी आर गुड इन आवर रिकॉर्ड इंशाल्लाह, और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरा करेंगे इसको। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने आज ही मीटिंग की है 1994 के और 2002 के जो हमारे 19 फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, जिनके ऊपर हर साल 81 अरब रुपये खर्च होता है, और उनमें से सिर्फ एक या दो अरब यूनिट क्रिएट हो, प्रोड्यूस होते हैं, 2% आपकी पूरी प्रोडक्शन का 2% प्रोड्यूस होता है, और इनके ऊपर 81 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, उनको तो तकरीबन हम लोग वो नेड़े लगाए बैठे हैं। हम लोग को हमारा सारा काम उसके ऊपर मुकम्मल खामोशी से कि हमने किया पिछले 2-3 महीने में,
और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ पॉजिटिवली एंगेज करके उनको अपने पाकिस्तानी समझ के, पाकिस्तानी उनको अपने आप की इशू समझा के हम उम्मीद है कायल करेंगे इंशाल्लाह कि आप कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस मैस में से निकालने के लिए। कंट्रीब्यूट ना जितना आपने पैसा बनाना था बना लिया, काफी कुछ किया, अल्लाह खैर करेगा हम इंशाल्लाह जरूर पुश करके कन्विंस करेंगे। बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड अगर आप हमें बता पाए, इसके अंदर कोई बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं या नहीं? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज मैंने कोई लिस्ट, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जरूर हैं, उनका हक था, उन्होंने जितना पैसा बनाया बनाना था, जो फिगर्स और रिटर्न्स थे उनके, उन्होंने जो भी कमाए, मैं इस वक्त उसकी बहस पर नहीं पढ़ना चाहता। मैं सबको जाके अपील जरूर करूंगा और बहुत जल्दी हम उनके साथ एंगेज करेंगे कि ये आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूर इसमें हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे एनर्जी मिनिस्टर और हमें बता रहे थे सरदार अवैस अहमद खान लगारी के किस तरीके से जल्द अज जल्द IPPs के मामला को वो ऐसे तरीके से तय करना चाहते हैं कि बैन अलावामी तौर पर पाकिस्तान किसी और मसले में न फंस जाए।